नमस्कार जी, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं सेल्फ को छोड़ता हूँ ना तो खट की आवाज़ आती है, हमेशा नहीं थोड़ी थोड़ी आती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग की शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आज इसी सेल्फ को रिपेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा, मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, पूरी प्रोसीजर दिखाऊँगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो जो ज़रूरी है वो मैं वीडियो दिखाऊँगा, आप देखते जाओ। सबसे पहले वो हमारा सेल्फ है, तो सेल्फ में उसमें तीन नट हैं, एक आपको ठीक सामने दिख रहा है ये, और दो नीचे हैं, उनको भी मैं खोलूंगा। उससे पहले आपको गाड़ी का निगेटिव निकाल देना है हर हालत में, बाद में जो काम है आपको करना है पहले आपको निगेटिव निकाल देना है। तो एक चीज़ और है, ये 16 नंबर का रिंच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, खासकर ऊपर साइड पे। तो आपके पास 30 इंच हो तो बढ़िया है, नहीं तो मेरा ये प्लग खोलने वाला होल्डर है, इसी से मैंने खोला था, तो ये भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पॉजिटिव चार्ज को खोलना है, ये सामने दिख रहा है, ये आपका 13 नंबर के रिंच से खुले। देखिए मैं फर्स्ट वाला खोल रहा हूँ, ऊपर वाले में हमने पॉजिटिव वाला तो तार खोल लिया, अब हमें ये निगेटिव वाला वायर खोल, स्विच वाला नट बता रहा था मैं, खुल गया। ऊपर से निकालने में ये तकलीफ करता है, 8 नंबर के रिंच से खुलता है। सेल्फ निकल आया अपन का, और ये लुकस का, अभी मैं सब कुछ अच्छे से निकाल लूँ, इसको अच्छे से पेट्रोल से सफाई होगी। मैं सबसे पहले ये नीचे वाला जो निगेटिव वाला है इसे खोल के निकाल दें, ये निकल गया। उसके बाद आपको ये दो नट्स खोलने हैं, ये एक्चुअल में मैंने खोल, खुल गया है। ये आपका एक्चुअल में एक्चुएटर है या मैग्नेटिक बोल सकते हैं। उसके बाद आप इधर ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा, ये एक्चुअल में आपको ऊपर खिसका के निकालना है। ये हमारा जो ये पिनियन है ना, या बेंडेक्स बोल सकते हैं, इसको अंदर और बाहर करता है, ये 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 और ये। उसके बाद आपको इधर पे 8 नंबर के इन दोनों को आपको खोल देना, जो चीज़ें जहाँ से निकालनी है वहीं पे रख देनी है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बढ़ा हुआ है वो पॉजिटिव है, मतलब लंबा वाला, और जो नीचे वाला है वो हमारा इसका कनेक्शन है। ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है, इसी में इंसान कंफ्यूज होता है। 8 नंबर का टी रिंच आपको चाहिए, मैंने इसे स्कूटी के लिए लिया था, अभी रिसेंट में ही लिया था, उसका क्लच चेंज किया था, मेरे को नहीं पता था कि मेरा इस पर भी काम कर जाएगा। काफ़ी लंबा थ्रेड है, नट है, बोल्ट तो कसने वाले को बोलते हैं। एक भाई साहब ने मेरे से बोला था कि पहले आप ये तो जान जाओ, खैर उनकी बात सही भी थी, पर क्या करे, आदमी जब बोलना चाहता है तब नहीं आता, बल्कि वीडियो एडिट करते हैं तो लगता है कि नहीं भाई साहब ये होगा वो होगा। तो ये दो नट निकल गए, अभी अब आपको इसको ध्यान से निकालना है, आराम से निकालना है, क्योंकि इसी के अंदर अपना मैग्नेट कार्बन होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से है। और आप अगर अंदर की ओर देखें तो ये इसका बुश है, जो कि सही ही है, मेरे को इसको बस साफ़ करना है। उसके बाद ये आपका आता है आर्मेचर, आर्मेचर भी इसके साथ ही निकल जाता है, ये कार्बन गिर रहा है, और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। एक छोटी सी बॉल है, मैं आपको दिखा दूं, ये गियर्स हैं, इन्हीं पे अपना ये फिसलता है, तो ये मेरे ख्याल से, मैं लगता है कि मैं ये पहली बार ही रिपेयर हो रहा है, बाकी वेल मेंटेन कंडीशन पे है। इसको अलग रख दें आप साइड में, ये देखिए कितना कार्बन अंदर घुसा है, तो हम इसे पूरा साफ़ करेंगे, इसे भी साफ़ करेंगे, बहुत हालत ख़राब है, पेट्रोल से मैं इसे साफ करूँ, हाथ का देखिए क्या हालत हो गई। हमेशा पैटर्न याद रखिएगा, तो इसकी ग्रीस जो है वो सूख चुकी है, इसकी ग्रीस पूरी तरीके से सूख चुकी है। पहले अपन बाल ढूंढते हैं, क्योंकि बाल हमें नहीं घुमानी, ये बॉल है। एक्चुअल में बाल काम क्या करती है आपको दिखा दूं मैं, जब ये घूमता है तो इस पर फ्रिक्शन ना हो, इसके कारण ये स्मूथ करने का काम करती है। मैं तो एक काम करूंगा कि चूंकि इसमें मैग्नेट है तो इस मैग्नेट पर मैं चिपका दिया, ये रबर है, इसके ऊपर आप देखोगे कि जिससे ये धूल न जाए। आप करने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, एवरी 5 ईयर 4 ईयर, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आप जल्दी करवाएं,
और हाँ, अगर आपकी शॉर्ट डिस्टेंस पे गाड़ी चलती है, मतलब आप ज़्यादा सेल्फ का यूज करते हैं, तो थोड़ा सा और फास्ट करवाइए। ये अपना निकल आया और इसके पीछे एक कॉइन लगा होता है जो कि इस रबर को कटने से बचाता है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो कॉइन लगा हुआ, तो इससे भी आपको रोक के रखना है, इससे भी नहीं घुमाना है। तो फिर से मैं इसे यहीं पे चिपका दूंगा। उसके बाद ये रबर है, आपको ऐसे ही धक्का दे के निकालना है। अपनी आ चुकी है और ये पूरी तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए धूल देख रहे हैं कैसी ये धूल है। तो ये आपका शिफ्टर होता है जो शिफ्ट करता है, इसको साइड में रख दें। और इसका तो कच्यूमर निकल चुका है। ये हमारा वेंडेक्स होता है, इसे सिर्फ एक ही तरफ घूमना चाहिए, मतलब इसी तरफ, उल्टा नहीं घूमना चाहिए। उल्टा घूमेगा तो इधर आएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जब भी आपका ज़्यादा तेज घूमता है व्हील, तो इसको प्रोटेक्शन देता है। इसको साफ़ करने से पहले आप ध्यान दें, दो नट हैं वो इसको भी निकाल देते हैं। तो अगर आपको उसे निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, जो कि मैं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इतना कचड़ा निकला है, अभी धोने के बाद पता नहीं कितना कचड़ा निकलेगा। रबर सील इसकी कट गई थी, मैंने न्यू रबर सील लाई है। ये तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, देख रहे हो, बिल्कुल सड़ी हुई है। इसके साथ अपन को बुश भी मिला है, दो रबर मिला है, और साथ में ये जो एक्चुएट करता है अपना, उसके ऊपर की जो रबर है वो भी अपन को न्यू मिली है। तो मेक श्योर कीजिएगा, अच्छे से क्लीन कीजिएगा। मैं आपको क्लीन करने के बाद फिटिंग की वीडियो दिखाता हूँ। अभी हर चीज़ साफ़ हो चुकी है, आप इधर देखो पूरी तरफ से। तो अभी आपको क्या करना है कि इसको रेत मार के इसे 200 वाला 100 वाला 100 से ऊपर ही सैंड पेपर का यूज़ करें। ये मैंने 320 का सैंड पेपर लिया है, इसको थोड़ा सा रेत मार के से आपको लेना है, इसको भी लेना है। हर जगह पे आपको यहाँ पे इन गियर्स में अच्छी तरीके से आपको लगाना है ग्रीस। तो अभी हम इस पे सबसे पहले इस पे हल्का सा ग्रीस करेंगे। सभी में ध्यान दीजिएगा कि हल्का ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। रबर लगाने की भी टेक्निक है, ये उल्टी रबर लगती है। और हाँ, इस रबर लगाने की बात मैं एक बात और बता दूँ, 80-90% लोग इस रबर को नहीं डालते। तो अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करें, अगर आपकी सही है तो ठीक है, नहीं है तो भाई साहब देखो आपकी रबर बंदा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। क्योंकि अगर ये रबर नहीं लगेगी तो डस्ट अंदर आएगी और बहुत जल्दी आपका आर्मेचर ख़राब हो जाएगा। चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलेशन पेपर लगा है तो इसको फाड़ मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका कार्बन लगाना हो ये, तो सबसे पहले इसको आप इस पर बिठा लो, क्योंकि आपको बिठाने में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये बिठा लिया है, इसमें एक टेक्निक है कि आपको दो पहले बिठा देना है, फिर पेचकस से एक एक को दबा के बिठाना है। एक ये बोल्ट है और एक ये बोल्ट, एक ये और एक ये, इस पर बिठाना है आपको। ये देखिए अपनी सिधाई पे आ गए, इस पर और इस पर। अब इस पर आपको नट कस देना है, हल्का सा ही कसना है कि टिका रहे। मान लीजिए बाई चांस ये गिर जाता है तो कम से कम आपके पास बैकअप तो रहेगा। पता चला आपने टाइट कर दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। ये आपका रेडी हो गया, अब इसको साइड में रख दीजिए, इस पर आपको कोई खुराफात नहीं करनी। ये अभी आप इस पर देखोगे, आप यहाँ पे आपको छोटे छोटे रॉड से दिख रहे हैं, उस पर आपको ग्रीस दे देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही ग्रीस देना है। आपको डालने के बाद इसको ऐसे घुमा के चारों तरफ देखोगे आप, और इससे जो ज़्यादा ग्रीस है उसे निकाल देना, ऐसे होता है उसी पे। तो उसको आपको हल्का सा ग्रीस दे देना, और नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आप एक पेचकस ले लो, आप ऐसे लगा दो चारों तरफ हल्का हल्का, बहुत नहीं, क्योंकि ये बाहर रहता है तो ये धूल भी खींचेगा आपको। अभी ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर आपको ग्रीस नहीं देना है। ग्रीस आपको कहाँ देना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर। ये हो गया। अब छोटी सी चीज, हमें इसे ऐसे नहीं बिठाना, ऐसे में ये फिसल रहा है, इसे ऐसे बिठाना है, ये अटक रहा है ना। अभी हमें इसे सीधे, और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो जहाँ पे हमारे नट लगेंगे यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे इन खांचों में जाएंगे, जहाँ पे ये नट लगेगा यहाँ पे,
ठीक है। अभी आप देखो, तो अभी हम इन नट को सीधा करके, ये जो रबर है ये ऊपर की ओपन रहेगी, यहीं पे आके फंसेगा वो। तो चलिए सबसे पहले इस रबर को बिठा लेते हैं। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी चेक करना है, ये निकल रहा है ये नहीं करना है। ये गियर्स में आपको जो एक्सेस ग्रीस है ये हाथ से आपको निकाल लेना है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो अंदर आप बॉल आगे जाके बिठाएंगे, ये देखिए बॉल है, बॉल को आप अंदर डाल दीजिए, इसमें ग्रीस लगा दीजिए, अच्छे से पेचकस से फिट कर दीजिए और उस बॉल को गिरने नहीं देना है। और साथ में आपको गियर ऑयल हो तो उसको हल्का हल्का सा दे देना है, जिससे कि थोड़ा सा ये जल्दी ना सूखे, और साथ में लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। गियर ऑयल एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें ग्रीस, क्योंकि फिर ओवर होके निकल आएगा। और यहाँ पर ये जो शिफ्टर आपको दिख रहा है इस पर ये सिक्का जैसे मैंने पहले लिखाया है, तो वो स्क्रेच वाला जो भाग है आपको उल्टे साइड पर लगाना है और सामने प्लेन की साइड पर इसे अच्छे तरीके से लगा दें। उसके बाद रबर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि दो मेरे पास रबर थे, तो ये पुरानी वाली है इसे बिल्कुल नहीं लगाना है, उस पर आपको नई वाली ही लगाना है। भले पुराने वाली कंडीशन थोड़ी सी भी हो तो आपको ये खांचे देखना है, खांचे से आगे की ओर स्लाइड करना है, जो उभरा हुआ भाग है वो आगे की ओर आपका स्लाइड हो जाएगा। और फिर अच्छे से देखिए, अच्छे से फिट करिए, अंदर से भी दबा के रखिए, थोड़ा सा ये दबते हैं, फिर इन्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर फिट कर दें। आपको रबर जो है उसको चारों तरफ से बिठाना है, और जहाँ पे आपको ये स्टड के दिख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको गैप छोड़ देना है और इसको अच्छे से लगा देना है। ये बैकवर्ड साइड पे लगता है, ध्यान दीजिएगा, ये पैक होना चाहिए। उसके बाद जो आपको सामने खोल दिख रहा है इस पर हम, ये आर्मेचर का दरअसल कैप है, इस पर हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और ध्यान दीजिए कि ये जो ऊपर के दो है ना, इनको यहाँ पे जहाँ पे रबर लगा था वहाँ पे प्रॉपर फिट करना है। इसमें आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे फिट होगा तो प्रॉपर ये फिट हो जाएगा, बिल्कुल नट के सिस्टम जहाँ होते हैं वहाँ पर रहता है। अब ये देखिए, ये गियर है, आर्मेचर का गियर है, वो जो अपनी बॉल के ऊपर जाके जो तीन गियर हैं उनके ऊपर फिट होता है, तो इसे भी अच्छे तरीके से आगे ग्रीस दें। ग्रीस देने के बाद हल्का सा ब्रेक ऑयल दे दे, जिससे वो थोड़ा सा ग्रीस अपना पतला हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से इसमें फिट हो सके, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी ये फिट करने की बारी है, तो आराम से ध्यान से, कभी कभी गियर फंस भी जाते हैं ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके आप इन्हें अच्छे तरीके से फिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और हाँ, ये जो दो आपको यहाँ पे खांचा दिख रहा है ना रबर का, इसी पे ये वाली जो वायर वाली रबर है ये फिट होती है, तो उसको अच्छे से दबा के आपको फिट करना है, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर अगर नहीं फिट होगा तो ये नहीं फिट होगा, और साथ में आपकी जो एल्युमिनियम होता है एल्युमिनियम दब जाएगा। उसके बाद दोनों स्टड जो लंबे वाले हैं उन्हें अच्छे तरीके से लगा दीजिए, उन्हें टाइट, और जो ये कार्बन वाले थे ना उन्हें भी आप देख रहे हैं ना, उन्हें भी आपको पहले ढीला हमने छोड़ दिया था, तो उन्हें अब हम टाइट कर देंगे प्रॉपर, कि अब हमारा पूरी फिटिंग हो चुकी है। फिर मेन वाले नट आते हैं, इनको भी अच्छे से 8 नंबर के टी रिंच से जो भी हो आपके पास उससे प्रॉपर अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट कर दें। एक चर्र की आवाज़ आएगी तो आप समझ जाओगे कि इसमें प्रॉपर टाइट हो चुका है। अभी अपना प्रॉपर ये सेट हो चुका है, अभी हमें जो मैग्नेट है उसे हमें सेट करना है, तो हल्का सा हमें ग्रीस का यूज करना है, बहुत नहीं हल्का सा, कि ये फ्रीली घूम सके। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इस पर ऑयल का यूज करें, ग्रीस का ना यूज करें, क्योंकि वो फिर फ्रीली उतना अच्छे से घूम नहीं सकेगा। ओके, अभी हमें इसकी बारी है, इसमें से हल्का सा ऑयलिंग कर दें, क्योंकि ये वैसे जंग तो नहीं खाता, पर क्या है कि हल्का हल्का ये घिसाव इसमें पैदा होने लगता है, तो हल्का सा आप ऑयल का यूज कर लें। ये फिट हो गया, अभी आपको जब भी आप लगाएं तो ये मूवमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्ट्रट की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी जैसा ये आपको लग रहा है कि सही लगा है, बट ये सही नहीं लगा है। जैसा शुरुआत में मैंने बताया, पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव नीचे होता है, तो आपको इसको
घुमा देना, ये आ गया हल्का सा। ऑयल का आप हर में यूज करें, मैंने पहले ही बताया है, हाथ में भी जो ऑयल लगा है ना वो भी काफ़ी काम करेगा, तो उसको हल्का सा लगा दें आप, बराबर से टाइट करें, एक को टाइट करें फिर दूसरे को टाइट करें। ये टाइट हो गया है आपका, अभी पूरी सर्विसिंग हो चुकी है। नट बोल्ट को खोलें और इसे स्लाइड करें, आप हल्का सा इसमें रेत मार्के का यूज कर लें जिससे ये क्लियर रहे, प्रकार के सैंड पेपर का यूज कर, वैसे वैसे भी साफ है ये, फिर भी माफ कीजिएगा बच्चे की आवाज आ रही है, किराएदार हैं उनको रोक भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। ये आपका सेल्फ रेडी हो गया, अभी आपको स्विच की बटन यहाँ पे लगानी है, पॉजिटिव यहाँ पे लगाना, बस इतना सा काम आपको करना है। इतना कचड़ा निकला है साहब, आज सुबह है, सेल्फ बन चुका है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन किया, थोड़ा सा तेल चाने दीजिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, तुरंत स्टार्ट हो गई तुरंत। फिर से मैं करता हूँ, एक चीज़ का ज़रूर है, पहले इसमें सेल्फ की आवाज़ आती थी खड़ 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 की, अभी सिर्फ बेंडेक्स की आवाज़ जा रही, सूंग की, आप देखोगे और बहुत स्मूथ गाड़ी स्टार्ट हो रही, तुरंत स्टार्ट हो जा रही। और एक चीज़ और है, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं सेल्फ आप रिपेयर कर दोगे तो जो M2DI से या 4-5-3 या 4 राउंड लेती है तो वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, वो उतने राउंड लेगी ही लेगी, हाँ आपका सेल्फ आवाज नहीं करेगा, इतना जरूर। वो वीडियो बनाया हुआ मेरे दीपावली के पहले का टाइम था जब मैंने बनाया था, तो आज देखते इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो ये ऑन कर दिया मैंने, अभी भी देखते 1000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है, और सेल्फ का रिस्पॉन्स देखते हैं, तो सख्त से स्टार्ट। पर हाँ एक चीज जरूर है, M2DICR में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करवा लो वो उतना ही टाइम लेती है, 3-4 सेल्फ 2 सेल्फ इतना तो लेती है, इसका फिक्स नहीं है, सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा लेती है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते रहो तो वो करीब 1.5 घंटे का वीडियो है, मैंने बहुत ज़्यादा एडिट कर दिया है, तो इस मेहनत पे आपको तो लाइक करना ही पड़ेगा, और जिसको ज़रूरत हो उसे शेयर भी कर सकते हैं, बाकी तो आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, तो दिल से धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, घर पे ही कीजिए, ये जो लेबर चार्ज इसका कॉस्ट है ना ये 500 रुपये, और इतना परफेक्ट काम नहीं करते हो, कुछ रबर भी अगर वो हटा दिए ना तो फिर वो कचरा अंदर जाने लगे, तो आराम से करिए। मैं जैसा मैंने बताया 5-6 साल में या ज़्यादा चलती है तो 1-1.5 लाख किलोमीटर पर आप करवा लो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद आप सभी।